हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और हम लेसन पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं, चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है, एस से दर्शाते हैं। और याद रखना कि इस क्वांटम संख्या की खोज उलहेन बैक और गाउट ने की थी। उलहेन बैक और गाउट दो ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने चक्रण क्वांटम संख्या की खोज की थी। और सामान्य सी बात यह है कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो मतलब हम उसे उसकी कक्षीय गति कहते हैं, क्योंकि वो नाभिक के चारों ओर जो कक्षक बने हैं, जो आपके ऊर्जा स्तर बने हैं, उनमें वो घूमता है तो उसे हम कक्षीय गति कहते हैं। और कक्षीय गति करने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी स्वयं घूमता जाता है, ठीक है ना, जिसे हम अक्षीय गति कहते हैं। तो ये चक्रण क्वांटम संख्या नाभिक के चारों ओर चक्रण करते हुए घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की और जो चक्रण गति है उसके बारे में बताती है, उसके बारे में बताती है। तो यहां उलहेन बैक और गाउट ने कहा कि जैसे मान लीजिए एक बॉक्स ये एस में होता है और आप जानते हैं इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मुंह है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं और उसके लिए उस इलेक्ट्रॉन के लिए एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान उन्होंने निर्धारित किया प्लस एक बटे दो। और जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज है उनके लिए उन्होंने एस का मान निर्धारित किया माइनस एक बटे दो। तो ये उनकी तरफ से निर्धारित मान है कि एक बॉक्स अर्थात जैसे एस कक्षक है, एस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन जब जब पास पास होते हैं युग्मित होते हैं तो उन्हें एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आप हमेशा प्लस मान दिखाना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप हमेशा माइनस मान दिखाना एक बटे दो। किसके लिए? चक्रण क्वांटम संख्या के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूं बताऊं, जैसे कि मुझे कोई कह दे कि एक तत्व का D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक तत्व का D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इस D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ चक्रण क्वांटम संख्या है उसका मान बताना है। तो आप डी दिए तो डी को पहले यू बनाते हैं, यहां पर मैंने D7 दिया, डी दिए तो डी में आप जानते हो पांच बॉक्स होते हैं, आपने बना लिए। अब सात इलेक्ट्रॉन है तो पहले आप सात इलेक्ट्रॉन में से एक एक यू इस प्रकार से भर लीजिए, पांच आपने भर दिए, अब युग्मन कीजिए, ये छठा और ये सातवां। और मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान बताइए, तो मुझे तो पांचवा बताना था, तो पहले सीधा गिनो 1, 2, 3, 4 और 5, पांचवा ये है और पांचवें का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ है अर्थात क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में ये वैल्यू हो जाएगी कि इस इलेक्ट्रॉन यानी पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए और एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान प्लस एक बटे दो हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर मैं आपको इससे मैं यूं बोल देता कि सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए D7 विन्यास में सातवें इलेक्ट्रॉन के लिए और चक्रण क्वांटम संख्या का मान बताइए, तो पहले आप एक एक भरते, पांच आ जाते, फिर छठा और सातवां, तो सातवां तो नीचे की तरफ मुंह वाला आ रहा है, सातवां लास्ट है और वो नीचे की तरफ मुंह वाला आ रहा है, तो क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान यानी एस का मान माइनस एक बटे दो होगा। तो ऊपर की तरफ मुंह किए हुए इलेक्ट्रॉन जिसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं उसके लिए हमेशा प्लस एक बटे दो लिखना एस का मान, और नीचे की तरफ मुंह किया हुआ इलेक्ट्रॉन है अर्थात एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए आप और चक्रण क्वांटम संख्या का मान माइनस एक बटे दो लिखना। बस इतनी सी बात आप उलहेन बैक और गाउट के अनुसार ध्यान में रखना। हमारा अगला टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृति, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हो जो कक्षक है उन्हें एस पी डी एफ से दर्शाया जाता है, हालांकि आगे और होते हैं लेकिन हम एस पी डी एफ लिखते हैं सामान्यतः, ठीक है ना। तो याद थोड़ा रखना है कि
कक्षक है उन्हें एसपीडीएफ कहा जाता है। और इस प्रकार से एस को एक बॉक्स के रूप में यू ढालते हैं, पी को तीन बॉक्स के रूप में ढालते हैं और डी को पांच बॉक्स के रूप में बनाते हैं, एफ को सात बॉक्स के रूप में बनाते हैं। तो आप ये सामान्य सी बातें थोड़ी याद रखना, इस प्रकार से होते हैं। पहले हम बात करते हैं एस कक्षक की आकृति, ठीक है, एस कक्षक की आकृति। तो एस कक्षक की आकृति है वो आप ध्यान देना गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। और याद रखना, एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एस कक्षक होते हैं तो ए दिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं होती उनकी। तो यहां आकृति है वो तो इस प्रकार से एस कक्षक यूं हो जाएगी, आप पूरा इसे कलर्ड कर दोगे, एस कक्षक की आकृति हो जाएगी गोलाकार और इसकी कोई दिशा नहीं है तो ये ए दिशात्मक होते हैं। एस कक्षक हमेशा ए दिशात्मक होते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, एस कक्षक ए दिशात्मक होते हैं, एस के बारे में इतना ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी कक्षक, यानी पी कक्षक है उनकी आकृति की बात करते हैं, पी कक्षकों की। तो आप याद रखना, पी कक्षक हैं उनकी आकृति है वो डंबलाकार होती है, डंब बैल शेप, डंबलाकार। तो पी कक्षक की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार होती है, डंबल प्लस आकार होती है इसकी आकृति, डंबलाकार, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो डंब बैल शेप, डंब बैल शेप जिसे आप बोलते हो, डंबलाकार आकृति इसकी होती है। और पी कक्षक में दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, उन दोनों भागों को पालिया लोब कहा जाता है और उन लोब में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये पालिया एक्स वाई जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पी में तीन आकृति आप बनाओगे इस प्रकार से, और पी में आप तीन आकृति बनाओगे तो जो पहले वाला हिस्सा है इसको तो आप बोलोगे पी एक्स, लास्ट वाला है उसको आप बोलोगे पी वाई, बीच वाला है इसे आप बोलोगे पी जेड। इस प्रकार से जो पी है आप यहां इस रूप को और जब एक्स वाई जेड अक्षों के सापेक्ष निरूपित करोगे तो फिर ये रूप पाले के रूप में आ जाएगा, लोब के रूप में आ जाएगा। तो यहां आप कैसे बनाओगे इनकी आकृतियों को, आप ध्यान देना, एक्स वाई जेड अक्षों पर इसे कैसे निरूपित करोगे, वो होती है आकृति। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए और यहां यूं चलता हूं, यहां आप इस प्रकार से यूं बना लीजिए और ये मान लीजिए पी एक्स है, तो यहां कर देता हूं पी एक्स, ठीक है ना, ये एक्स अक्ष कर दिया, एक यहां से यू निकाल दिया, ये वाई अक्ष हो गया और ये वाला मैं जेड अक्ष बोल देता हूं, ठीक है। कैसे किया मैंने, दोबारा देखिए, मैंने इस प्रकार से एक क्रॉस का निशान बनाया जिसमें इसको तो मैंने एक्स अक्ष लिखा, इसको जेड किया और यहां से एक यू कर दिया और इसे मैंने वाई बोल दिया और यहां की एरो की तरफ यू कर दिया, ठीक है ना। ये वाई वाला आपकी तरफ से यू चलता है, इससे यू, लेकिन बनाऊंगा ऐसे ही, लेकिन ये यू सामने से यू आ रहा है इसके, मतलब बोर्ड के अंदर से जैसे जा रहा है यू लग रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये मैं मान लेता हूं पी एक्स, क्या मान लेता हूं कि मैं पी एक्स का निरूपण कर रहा हूं एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर। तो आपको क्या करना है, यहां देखो एक्स लगाए पी के साथ, एक्स लगाए तो एक्स यहां लगाए, तो एक पाली तो आप इस प्रकार से यू एक्स पर बना दीजिए और दूसरी यहां एक्स पर ही बना दीजिए इस प्रकार से, क्योंकि मैंने लिखा है पी एक्स, मैं पी को निरूपित कर रहा हूं, ठीक है ना, और एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसे आप कलर्ड कर देना, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पी कक्ष का निरूपण। अब मैं बात कर लेता हूं आपके पी वाई की, कर लेता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैसे बना ले पी वाई या पी जेड, लेकिन बीच वाला पी जेड होता है, पी वाई को बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला एक्स अक्ष लिखो हमेशा, ये वाला जेड अक्ष लिखो, और आप पी वाई को बना रहे हो तो यहां पी वाई कर दीजिए, पी वाई कर दीजिए, और फिर पी वाई करने के बाद में और इस प्रकार से एक तो यू बना दीजिए बीचों बीच से, और ये वाला अकेला वाई हो जाएगा
और इस प्रकार से इसका निरूपण यहां इस तरफ से कर दीजिए। आपको क्या करना है, py वाला बनाना है, तो आपको py वाला बनाना है, तो y कौन सा दिख रहा है मेरे को, y ये वाला दिख रहा है, py y बना रहा हूं मैं, तो y ये दिख रहा है, तो एक पाली तो इस y पर यूं बना दीजिए, एक पाली log, और एक पाली आप यहां इस प्रकार से यूं बना दीजिए, यूं बना दीजिए, फिर से कलर कर दीजिए, ये py का हो गया, ठीक है ना, निरूपण py कक्ष का निरूपण हो गया। अब z की बारी आती है, तो आप इस प्रकार से यू क्रॉस का निशान कीजिए, पहले x अक्ष बनाइए और ये वाला है इसे z अक्ष बोलिए, और आप निरूपण करो pz का, तो नीचे pz लिख दीजिए, इसका आप निरूपण करो p वाले का z अक्ष के सापेक्ष, और यहां तो आपको y वाला बनाना ही बनाना है, वो बना दीजिए। अब देखिए p के साथ z है, तो z तो मेरे पास ये है, तो एक आप इस प्रकार से यू कर दीजिए और दूसरी पाली इसके सामने इस प्रकार से यू आ जाएगी, और अब आप इसे कलर्ड कर दीजिए, कलर कर दीजिए और बन जाएगा, तो पी एक्स पी वाई और पी जेड इस प्रकार से बन जाएंगे। और तो पी कक्षक याद रखना, पी कक्षक के दो भाग होते हैं, दो भाग यानी इस प्रकार से इधर पाली इधर पाली, पी कक्षक के दो भाग होते हैं, दो भाग को लोब यानी पाली कहा जाता है, और इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पालियां एक्स वाई जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित रहती हैं, इतनी सी बात आपको बोलनी है। और पी कक्षक है वो डंबलाकार, ये देखिए डंबल के रूप में है, इसे डंबबेल शेप डंबलाकार आकृति बोलते हैं, और पी कक्षक तीन भागों में बटे होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में